आज तो भाई हमारा प्रयास हम लोगों का ये होगा कि जो बंद लिफाफे में सारे सर्वे रिपोर्ट दाखिल है इसको खोला जाए, यानी कि डिस्क्लोज किया जाए। इस पे हमारा पूरा पक्ष है, हमारी पूरी टीम, सब लोगों का प्रयास ये रहेगा। अब कोर्ट को निर्णय लेना है कि इसको खोला जाए या बंद रखा जाए, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है, हम लोगों की पूरी बहस, हम लोगों की पूरी पूरा पक्ष जो है इस पे होगा कि इसको डिस्क्लोज किया जाए। और डिस्क्लोज करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, कहीं इसका कोई रिएक्शन नहीं होना है, चूंकि न्यायालय का मामला है और न्यायालय के हर निर्णय को सहर्ष पूरा देश स्वीकार करता है, आम आदमी स्वीकार करता है, ये हमारा मानना है। इसलिए इस पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन है। न्यायालय अगर, चूंकि आज तो अभी सुनवाई करेगा न्यायालय, उसके बाद देखिए अब क्या करता है, अब न्यायालय को तय करना है। आदेश हो गया तो एक बहुत बड़ा, भाई न्यायालय के आदेश आने से पहले देश में सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगे। मंदिर मस्जिद का जो फंडा है, जो भ्रम है, वो सारे जो अंधकार दूर हो जाएगा। न्यायालय का निर्णय भाई प्रक्रिया के तहत अपने समय पे होगा, जब भी होगा। भाई आज का जो लिफाफे अगर कहा जाए, कोर्ट ने तय कर दिया कि नहीं इसको जो है खोला जाए, और देश के सामने सारे साक्ष्य निकल कर वैज्ञानिक तरीके से जो एसआई ने दाखिल किया, अगर वो आ जाता है तो न्यायालय अपना निर्णय प्रक्रिया के तहत कालांतर में देगा, जब भी दे। कितना समय लगेगा ये तो न्यायालय को और पूरे पक्षकारों के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन देश के सामने जो भ्रम है, जो अंधकार है, मंदिर मस्जिद का जो कहा जाए कि थ्योरी है, वो स्पष्ट हो जाएगा। मंदिर अगर तय हो गया, एसआई रिपोर्ट में सारे साक्ष्य निकल गए कि मंदिर के हैं, तो देश के सामने ये आ जाएगा कि नहीं भाई मंदिर है, अब इसको आज नहीं कल मंदिर बनना है। मस्जिद है, अगर नकार देगा हमारे दावे को तो ये होगा कि मस्जिद है। इसलिए सारी थ्योरी स्पष्ट हो जाएगी कि मंदिर है कि मस्जिद है, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा कहा जाए कि आज का दिन है, ऐतिहासिक दिन होगा अगर निर्णय हमारे पक्ष में आता है तब। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।